अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके। मैं खैरियत से हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ आलू के पराठे। और आलू को मैंने बॉईल कर लिया है और ये मैश भी कर लिया है। इसको ज़्यादा मलीदा नहीं इसका बनाना, इसमें ना थोड़ा सा ये रखना है। ये देखे, ज़्यादा नहीं मैंने इसको किया मैश, इसमें थोड़ा सा ना है, इसमें थोड़ा सा ये देखें हल्का हल्का सा ये रखा है। तो इसमें ये जो जाएंगे ना, प्याज जाएगा, हरी मिर्च, इसको मैंने ब्लेंडर से चॉप कर दिया है बारीक बारीक, ताकि ये पराठा जब बनाए ना तो पराठा फटे ना। अगर ये प्याज मोटा मोटा होगा तो फिर आपका पराठा फट जाएगा, इसलिए। तो अब सबसे पहले इसमें जो चीज़ें जाएंगी, जो प्याज जाएगा जो हमने चॉप किया है, और ये भी हमने चॉप की हुई है हरी मिर्च, और ये हरा धनिया, ये सारी चीज़ें इसमें मिक्स जाएंगी। उसके बाद अब ये मसाले जाएंगे, नमक जाएगा हाफ टी स्पून, और साबुत ये भर के टी स्पून खुश्क धनिया पिसा हुआ जाएगा, और ये स्पून जाएगी सुर्ख मिर्च का पाउडर, और इसको थोड़ा स्पाइसी करने के लिए हाफ टी स्पून कुटी हुई सुर्ख मिर्च, और ये भर के टी स्पून जाएगा ज़ीरा, और ये हाफ टी स्पून हल्दी जाएगी। बस यही स्पाइस जाएंगे इसके अंदर। अब हम इनको मिक्स कर लेते हैं। अब ये देखें, हमने सारे मसाले मिक्स कर लिए, मिक्सर तैयार हो चुका है, और हमने पेड़े भी बना के रख लिए। अब हम इनको बना के पराठा, और अब हम दिखाते हैं आपको। अब ये देखें, हमारा रोटी मैंने बना ली है पेड़े की। अब इसमें हम मिक्सर रखेंगे। ये हमारा तवा गर्म हो चुका है, हमने इसमें कुकिंग ऑयल डाल दी है हल्का हल्का सा। अब हम इसमें अपना ये पराठा डालेंगे। अब ये देखें, इस साइड से हो चुका है, अब ये दूसरी साइड पे हम कुकिंग ऑयल लगाएंगे। अब ये देखें, हमारा पराठा बिल्कुल रेडी है, और ये देखें, ये हमारा पराठा बिल्कुल रेडी है। देखिए ना, मज़े का लग रहा है। और मेरा पराठे की रेसिपी आपको पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।